इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 14 अक्टूबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज ही के दिन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ था। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 3 से 14 अक्टूबर तक चले थे। इस खेल का उद्घाटन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 14 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1322 में स्कॉटलैंड की सेना ने अंग्रेजी राजा एडवर्ड द्वितीय को हराया था। इसके साथ ही स्कॉटलैंड को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म आज ही के दिन 1643 में मुगल साम्राज्य बुरहानपुर में हुआ था। आज ही के दिन 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के बाद स्थापित किया गया भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म आज ही के दिन 1884 में हुआ था। आज ही के दिन 1923 में वर्ष का चौथा उष्ण कटिबंधीय तूफान पनामा के ठीक उत्तर में आया था। भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक निखिल रंजन बनर्जी का जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था। आज ही के दिन 1946 में हॉलैंड और इंडोनेशिया के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का निधन आज ही के दिन 1947 में हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था। आज ही के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 385,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी थी। 1964 में आज ही के दिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकी समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। जॉर्जिया प्रांत में जन्मे 35 वर्षीय किंग नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। आज ही के दिन 1979 में जर्मनी के बॉन में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ 1,00,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर, बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का जन्म आज ही के दिन 1981 में हुआ था। आज ही के दिन 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 1999 में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद कर दिए थे। 2002 में आज ही के दिन कतर में मिलने के वायदे के साथ 14वें एशियाई खेलों का बुसान में रंगारंग समापन हुआ था। आज ही के दिन 2004 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाए रखने वाला विधेयक पारित किया था। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन के नेता और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का निधन आज ही के दिन 2004 में हुआ था। आज ही के दिन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स की जरूरतें पूरी करने के लिए 200 अरब रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ था। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का निधन आज ही के दिन 2013 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।